आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सिंपल एंड नेचुरल किचन इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से बनने वाली एक काफी इफेक्टिव वेट लॉस ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। इस ड्रिंक को प्रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ पर यूज की है फेनल सीड्स, सौंफ, जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, और मैंने इसमें ऐड की है अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स। अब इसमें हम एक क्या चीज ऐड करने वाले ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि आपका जो वेट है, जो स्टक हो गया है, वो काफी तेजी से कम हो जाएगा। तो इस ड्रिंक को ट्राई जरूर करिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मालूम पड़े कि इस ड्रिंक को प्रिपेयर कैसे करना है। इस ड्रिंक को लेने का मैं आपको तरीका बता दूं, आप सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद इसे एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं या फिर रात को सोने के पहले भी आप इसे लेकर सो सकते हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि इस वेट लॉस ड्रिंक को मैंने कैसे बनाया है। वेट लॉस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक तवा यानी कि एक फ्राइंग पैन रखा है और इसमें मैं कुछ ऐसी चीजें डालने वाली हूँ जो कि आपके वेट को कम करने के लिए काफी ज्यादा एफिशिएंट है। इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आपका वजन अगर स्टैग्नेंट हो गया है तो वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पर यूज की है वो है जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, और अब हमें लेना है यहाँ पे अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स। जीरा, अजवाइन और सौंफ, इन तीनों चीजों को आपको पैन पे 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा इन्हें हमें सॉटे करना है, इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है। जितने अच्छे से ये तीनों चीजें ड्राई रोस्ट होंगी और इनसे हम बनाने वाले हैं अपनी वेट लॉस ड्रिंक, उतने ज्यादा आपको इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ड्राई रोस्ट करने से इनकी एफिशिएंसी दोगुनी हो जाएगी। तो आपको इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इस वेट लॉस ड्रिंक को आपको रात को सोने से पहले लेना है और मॉर्निंग में उठने के बाद भी आप इसे सबसे पहले ले सकते हैं, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। अब ये रोस्ट हो चुकी है अच्छी तरीके से और अब हम प्रिपेयर करने वाले हैं अपनी वेट लॉस ड्रिंक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन में 1.5 कप ऑफ वाटर डाला है और इन तीनों चीजों को जिन्हें अभी हमने ड्राई रोस्ट करा है, जीरा, अजवाइन और सौंफ, इसे इसमें हम ऐड कर रहे हैं और 4 से 5 मिनट के लिए इन सभी चीजों को पानी में अच्छे से हम बॉईल होने देंगे। जितने अच्छे से जीरा, सौंफ और अजवाइन पानी में बॉईल होंगे उतना ज्यादा अर्क इसमें आने वाला है। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। आपको 4 से 5 मिनट के लिए सभी चीजों को फुल फ्लेम पे बॉईल करना है। वेट लॉस में जीरा, अजवाइन और सौंफ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको वेट को बिल्कुल ही कम करने में हेल्प करेंगे। अगर वेट रुक गया है, वेइंग मशीन पर वेट कम नहीं हो रहा है, तो आप इस ड्रिंक को लेकर देखें। 10 दिन आप इस ड्रिंक को ट्राई करें, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। ये ड्रिंक मैंने खुद पर भी ट्राई एंड टेस्ट की है, मैं खुद भी इसे अपने डेली रूटीन में ऐड करती हूँ अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आप एक बार मेरी बात मान के इस ड्रिंक को ट्राई जरूर करें, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, वजन तेजी से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बेली फैट लूज करने के लिए ये ड्रिंक काफी ज्यादा इफेक्टिव है। पेट की चर्बी, जो बड़ा हुआ हमारा पेट है, अगर हमारा टमी थोड़ा सा बाहर आ जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता, तो आप इस ड्रिंक को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो हमारी ड्रिंक बनके बिल्कुल तैयार है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, आपको उसी तरीके से इस ड्रिंक को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। सो फ्रेंड्स, डू गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो। देखा आपने कितनी इजीली हमने यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट का यूज करा है यानी कि काला नमक का यूज करा है। अब जो काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट होता है वो वेट कटर में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। वेट को कट करने में, बेली फैट को रिड्यूस करने में, टमी फैट को कम करने में, जो हिप एरिया में हमारे लोअर बॉडी में जो फैट डिपॉजिट हो जाता है उसे रिड्यूस करने में काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट काफी ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज करा है ब्लैक सॉल्ट का। इस रेमेडी को आपको डेली ट्राई करना है 1 मंथ के लिए, तभी आपको इसके परमानेंट इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको इसके परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो दिन में एक बार इसे आप जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेमेडी आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।